विश्व विख्यात शक्ति पीठ श्री नैना देवी में मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान नैना देवी में जोरदार भूकंप आया, जिससे मंदिर के समीप लंगर भवन की इमारत गिर गई और श्रद्धालु जो बाहर खड़े थे वहां पर भगदड़ मच गई, जिसके कारण काफी श्रद्धालु घायल हुए हैं और लोगों का रेस्क्यू पुलिस और होमगार्ड के जवानों द्वारा किया गया। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान श्री नैना देवी में जोरदार भूकंप आया, जैसे मंदिर के समीप लंगर भवन की इमारत गिर गई और श्रद्धालु जो बाहर खड़े थे वहां पर भगदड़ मच गई, जिस कारण काफी श्रद्धालु घायल हुए हैं और लोगों का रेस्क्यू पुलिस और होमगार्ड के जवानों के द्वारा किया गया। श्रद्धालुओं को स्ट्रेचर में डालकर मंदिर न्यास के स्टेडियम में पहुंचाया गया और स्टेडियम को घायलों के प्राथमिक उपचार के लिए केंद्र नियुक्त किया गया, जहाँ पर सभी घायलों को तुरंत पहुँचाया गया और उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टर के द्वारा चेकअप करने के बाद घायलों को समीपवर्ती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गवांडल भेजा गया, जबकि जो गंभीर रूप से घायल थे उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से आनंदपुर साहिब हॉस्पिटल और बिलासपुर हॉस्पिटल भेजा गया। ये मॉकड्रिल सुबह 6 बजे आयोजित की गई, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। इसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम, होमगार्ड की टीम और पुलिस विभाग की टीम, लोक निर्माण विभाग, पेयजल आपूर्ति विभाग, विद्युत विभाग और वन विभाग की टीमों ने भाग लिया। अगर कभी भूकंप आता है तो लोगों को कैसे बचाना है और श्रद्धालु व स्थानीय लोगों को किस तरह से तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान करना है, इसकी रिहर्सल की गई। इस मॉकड्रिल की अध्यक्षता मंदिर अधिकारी हुसैन चंद ने की, जिसमें DSP संजय शर्मा, मंदिर न्यास अधीक्षक रामकिशन शर्मा, लंगर इंचार्ज अनिल शर्मा, डॉक्टर YR रवि और कनिष्ठ अभियंता लोक निर्माण विभाग राजेंद्र कुमार ठाकुर, कनिष्ठ अभियंता पेयजल आपूर्ति विभाग एवं अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मॉकड्रिल की जा रही है, जिसमें कि यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट की गई थी कि यहाँ पे एक 8 मैग्नीट्यूड का रिक्टर स्केल पे भूकंप आया हुआ है और यहाँ पे भगदड़ भी हुई है। तो हमने लंगर एरिया के पास सराय नंबर 3 के पास का एरिया डेजिग्नेट किया था कि जो लंगर बिल्डिंग है वो हमारी कोलैप्स हो गई है और उसके बाहर काफ़ी भीड़ थी, तो वो वहाँ पर स्टैम्पेड हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने काफ़ी टीम्स सडन एट अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में ही हमने काफ़ी टीम्स सेटअप की हैं। स्टेडियम को हमने यहाँ पे रिलीफ सेंटर बनाया हुआ है, जहाँ पे इन लोगों को मेडिकल एड आदि दी जा रही है और एम्बुलेंस भी बुलाई गई है, जो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है, सीरियसली इंजर्ड है, उनको आनंदपुर ट्रीटमेंट के लिए भेजा जा रहा है। इसी तरह से हमारी ये प्रोसेस चल रही है।